फिर आपका स्वागत है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां किरंदुल एसआर प्लांट में नक्सलियों ने आगजनी की है। नक्सलियों ने दो गाड़ियों और एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। दंतेवाड़ा एसपी के मुताबिक मलंगीर एरिया के नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। मौके पर फोर्स को रवाना भी अब कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां किरंदुल एसआर प्लांट पर नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने दो गाड़ियों और एक जेसीबी को आग के हवाले किया है। दर्शकों को बता दें, दंतेवाड़ा एसपी के मुताबिक मलंगीर एरिया के नक्सलियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है और अब मौके पर पुलिस फोर्स को भी रवाना कर दिया गया है। तो नक्सलियों की करतूत लगातार थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से नक्सलियों ने आगजनी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जहां एसआर प्लांट में नक्सलियों ने आगजनी की घटना की है। तीन वाहनों को आग लगाने की खबर मिल रही है दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने एसआर प्लांट पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। मलंगीर एरिया के ये नक्सली हैं जिन्होंने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। मौके के लिए पुलिस फोर्स रवाना कर दी गई है। दरअसल ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार नक्सली इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दंतेवाड़ा से हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। पंकज, नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल शिवम, नक्सलियों ने फिर से एक बार आगजनी की है। यह आगजनी किरंदुल थाना क्षेत्र के एसआर स्टील प्लांट में की गई है। जानकारी के मुताबिक दो ट्रक और एक जेसीबी मशीन पर आग लगाई गई, संभवतः और भी कुछ गाड़ियों को नक्सलियों ने आग लगाया है। दिन दहाड़े नक्सलियों के मलंगर एरिया कमेटी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घटना स्थल की तरफ किरंदुल से हमारी बात हुई थी, धीरज पटेल एसडीओपी जी से, उनकी टीम निकली हुई है मौके की तरफ। जी, कितना कुछ नुकसान का आकलन किया जा रहा है इस आगजनी की घटना में, और अभी मौजूदा हालात में घटना स्थल के क्या क्या हाल है पंकज? आपको बता दूं कि किरंदुल में जो एसआर का स्टील प्लांट है, ये भी माओग्रस्त इलाके में बना हुआ प्लांट है, और इस प्लांट में रोजाना 100 से 200 ट्रक और 20-25 बड़ी मशीनें चलती हैं। तो इसमें से अभी फिलहाल जो जानकारी हमारे तक निकल के आई है, उसमें से दो ट्रक और एक जेसीबी मशीन में आग लगाने के बाद निकल के आई है। मौके की तरफ पुलिस पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि गाड़ियों जलाने वाली गाड़ियों की संख्या और बढ़ गई होंगी। अगर 5 से 7 गाड़ियां जली होंगी तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान का आकलन आका जा सकता है। जी, शुक्रिया पंकज। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें तीन वाहनों को यहां आग लगाई है। किरंदुल एसआर प्लांट में नक्सलियों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के किसान कर्ज माफी